हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभी मन आई एस ए वेरी वोम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे पी सी एस एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के लिए एक प्रीवियस ईयर मेन्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मेन्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी के लास्ट uh, जो लास्ट टू लास्ट हमने जो पेपर डिस्कस किया था दैट इज़ अवर पेपर नंबर फोर फिर हमने डिस्कस किया पेपर नंबर थ्री एंड टूडे वी डिस्कस पेपर नंबर टू ठीक है पेपर टू डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जीएस पेपर टू डिस्कस करेंगे हम ठीक है जी ओके ठीक है जी तो बात करें सबसे पहले नोटिफिकेशन की तो नोटिफिकेशन कैन बी आउट एनी टाइम सो प्रिपरेशन तो आपकी चलती ही रहनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहले स्टूडेंट हम करते हैं सिलेबस डिस्कस ठीक है सिलेबस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट यस और नो तो सी हेयर स्टूडेंट तो मेंस जर्नल स्टडी पेपर टू का अगर हम सिलेबस देखें तो यहाँ पे जर्नल स्टडी पेपर टू का आप सिलेबस देखिए बच्चे ध्यान से तो सिलेबस जो मेन है पहला जो पहला सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ये आपको पता है हमारे यहाँ की जो बहुत ही अच्छी फैकल्टी है हमारी एक्सपर्ट पॉलिटी के जो सार्थक सर है वो लेते हैं ये वाला सेशन ठीक है बट हाँ डिस्कस हम यहाँ पे जरूर करेंगे ठीक है डिटेल्ड फॉर्म में वो आपके साथ जरूर सेशन लेंगे एक आधा ठीक है जिसमें आपको वो पॉलिटी के बारे में बताएं ठीक है वैसे तो उनके कई सेशन जा चुके हैं पहले भी ठीक है तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडर आपकी रिवोल्यूशन फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट चैलेंजेस ठीक है फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर सेपरेशन पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है पता है ना आपको इंडियन इंडिया India का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बनाया गया है ठीक है बहुत सारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स है वो हमने बोरो किए हैं अदर कंट्री से बता सकते हो हमने यू से क्या बोरो किया है चलो यू वाला मैं बता देती हूँ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यू के कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किए ठीक है थीके? तो इसी तरीके से हमने फ्रांस रशिया कैनेडा मतलब जो जो हमें अच्छा लगा हमने सब ले लिया ठीक है ओके अच्छा जी. अच्छा नेक्स्ट अगर मैं पार्ट की बात करूं बच्चे तो दैट इज अवर गवर्नेंस दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट गवर्नेंस इसमें स्टेचुटरी रेगुलेटरी बॉडीज आपको पता है बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है स्टूडेंट ठीक है एक होती है स्टूडेंट गवर्नमेंट एक होती है गवर्नेंस ठीक है गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है जिस जो इस टाइम पे जैसे हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर के अंदर पंजाब में हमारी आम आदमी पार्टी है ठीक है तो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई हो जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट, ये सब गवर्नमेंट का पार्ट है राइट अच्छा गवर्नेंस क्या होती है स्टूडेंट जो भी लॉ पास होते हैं ठीक है थीके? फिर उनको इम्प्लीमेंट करती है कौन हमारी एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मतलब कि इसमें हमारे आई ए ऑफिसर पीसीएस सी एस या जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को या गवर्नमेंट के लॉज को क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं रियलिटी में कोई लॉ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये टोटल डिपेंड करता है गवर्नेंस पे गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के लॉज बना रही है और गवर्नेंस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट कि किस तरीके से वो लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के लिए लॉ बनाया लेकिन गवर्नेंस हमारी इतनी ख़राब है उस लॉ को अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जिसकी वजह से आप आए दिन नंबर ऑफ केसेस करप्शन के देखते या मनी लॉन्ड्रिंग के सेम गवर्नमेंट जो है वो डाउरी पे ला बनाती है लॉ बनाया हुआ है कि भाई डाउरी तो ना लेनी है ना देनी है दोनों ही क्राइम है देखो क्राइम है इंडियन जो हमारी आ, आ, हमारे जो आईपीसी की सेक्शंस है उसके ऊपर धाराएं लग सकती हैं आपके ऊपर अगर आप डाउरी लेते हैं या डाउरी देते हैं बट गवर्नमेंट ने तो लॉ बना दिया इम्प्लीमेंटेशन कितना कितनी हो रही है ये आपको भी रियलिटी पता है यस और नो अठारह साल मतलब आप जब तक आपकी जो मैरिज एज जो हमने फ़िक्स किया ट्वेंटी वन अगर उससे नीचे अगर आप मैरिज करते हो दैट इज़ इलीगल बट आप देखिए इंडिया के आज भी बहुत सारे पार्ट्स के अंदर क्या होती है मैरिजेस हो रही हैं राइट यस और नो तो ये सब चीजें जो हैं दैट इज द पार्ट ऑफ अवर गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता है वो टोटल हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम गवर्नेंस पे हम हम कवर करते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस जैसे कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस एप्लीकेशंस मॉडल्स सक्सेस लिमिटेशंस सिटीजन चार्टर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं पता है ना आपको रोल ऑफ सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी चेंजेस ट्रेंड्स इन गवर्नेंस रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जब वो बनते हैं तब तो बहुत बोलते हैं कि हम देशभक्ति करेंगे हम तो देश की सेवा करने के लिए आए हैं और फिर बाद में क्या होता है बाद में क्या होता है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं आप न्यूज पढ़ते हैं एक आई ऑफिसर घूस लेता पकड़ा गया एक पी ऑफिसर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है न नो। अभी अभी आप देखो आ, हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक मुहिम चलाई हुई है करप्शन फ्री पंजाब ठीक है ये सर नो तो देखिए आगे फिर हमारा गवर्नेंस का अच्छा ये तो हम देख ही चुके हैं अच्छा अच्छा इसके अंदर जैसे वैल्यूज एंड इथिक्स इन गवर्नेंस ठीक है इथिकल वैल्यूज क्वालिटी डायलमिज ऑफ गवर्नमेंट अच्छा प्रॉब्लिटी इन गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस फिलासफिकल बेसिक्स राइट टू इंफॉर्मेशन पता है ना आर टी आई हम फॉलो डालते हैं ना कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट सिटीजन्स चार्टर वर्क कल्चर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन ये सब कुछ और हमारा इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन पता है ना हमारी बाकी कंट्रीज़ के साथ क्या क्या रिलेशन हैं हमारे यू के साथ हमारा कैसा रिलेशन है कैनेडा के साथ पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ बांग्लादेश के साथ अभी अभी आपने देखा होगा मालदीव के साथ हमारे साथ किस तरीके से रिलेशन ख़राब हुए हैं है ना पाकिस्तान और चाइना के साथ तो चलो पहले ही से थे अब मालदीव के साथ भी हो गए हैं और नेपाल के साथ भी हमारी खटपट चल ही रही है ठीक है तो ये सब क्या है हमारे इंटरनल रिलेशन हमारे इंटरनेशनल रिलेशन हैं स्टूडेंट ये सब पार्ट आता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर यसुरु ठीक है जी बात समझ में आई ठीक है जी अगर आपको बात समझ में आ गई है स्टूडेंट तो डिस्कस करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से ठीक है तो पेपर ओपन करते हैं स्टूडेंट ठीक है तो आप एक सेकंड वेट कीजिए ठीक है तो ठीक है जी तो ये आपके सामने पेपर है बच्चे पीसीएस मेन से हमारा जर्नल स्टडी पेपर नंबर टू, टू टू फिफ्टी का पेपर था तीन घंटे आपके पास होते हैं सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी ठीक है तो वो छोड़ तो आप सकते ही नहीं हो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है टोटल सिक्सटीन क्वेश्चन आपके पास रहते हैं तो एक एक करके यहाँ पे थोड़ा आइडिया उनके बारे में देते हैं ठीक है ओके तो देखो हाँ जी पहले क्वेश्चन में कहता है अच्छा क्वेश्चन जो है वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा है फिर गवर्नेंस के फिर इंटरनेशनल रिलेशन के हैं तो एक आधा क्वेश्चन मैं यहाँ पे गवर्नेंस में डिस्कस कर दूंगी एक आधा मैं इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल रिलेशन का थोड़ा हम ज़्यादा देखेंगे क्योंकि बच्चों को वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है क्योंकि तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा पड़ी होती है बच्चों को तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है बच्चों की पहले से अच्छा तो देखो कहता है मोर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मोर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया कैरीड आउट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नेसेसिटी देन द कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसरी नेसेसिटी आप इस चीज को डिस्कस कीजिए ठीक है टू हंड्रेड वर्ड में क्वेश्चन लिखना है कहता जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रही हैं इंडिया के अंदर वो पॉलिटिकल नेसेसिटी ज्यादा लगता है कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसरी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है वो क्या लिखी है बच्चे जो हमारे लिए नेसेसरी है जैसे डी हमारे लिए नेसेसरी है सोसाइटी के लिए फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी ये हमारे लिए नेसेसरी है बट कहता अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि पॉलिटिकल नेसेसिटीज ज्यादा हो कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटीज तो इन दोनों चीजों को आपको यहाँ पे बैलेंस करके आंसर लिखना है ठीक है इस पे इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया है ठीक है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ मैं आपको उसी टाइम का एग्जाम्पल दूंगी रिसेंट के एग्जाम्पल नहीं दूंगी मैं आपको क्योंकि उस टाइम का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उसी पे बेस्ड कर डिस्कस करते हैं जैसे कि उस टाइम पे आधार बिल जो था उसको एज ए मनी बिल की तरह गवर्नमेंट ने पास कर दिया था ठीक है बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ पास किए स्टूडेंट जो बिना मतलब यू नो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में डिस्कस किए बिना ही पास हो गई ठीक है जैसे हमारा आर्टिकल थ्री सेवेंटी जो था उसको जब गवर्नमेंट ने रेडिकेट किया ठीक है तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ये जो लॉ है रेडिकेट करने से पहले पार्लियामेंट कमेटी के पास ये लॉ जाना चाहिए बट गवर्नमेंट ने कर दिया ठीक है ऐसे करके बड़े सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जो आपको लगता होगा कि पॉलिटिकल नेसेसिटी ज़्यादा लगती है कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल नीड ठीक है अभी अभी बहुत सारे इवन अब तो गव इवन रिपोर्ट भी बहुत सारी आई है कि जो गवर्नमेंट है वो बिना नेगोशिएशन के बहुत सारे लॉज जो हैं उसको वो पास कर देती है ठीक है जैसे उस टाइम पे एक लॉ आया था स्टूडेंट सबसे अच्छा एग्जाम्पल था चलो आधार की तो इतना हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस टाइम पे जो आधार था वो फूड सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने पास किया था कि फ़ूड के लिए था ठीक है जैसे उस टाइम पे एक लॉ आया था हमारा उसके ऊपर ई e बॉन्ड्स को लेकर इलेक्शन में इलेक्शन में जो डोनेशन uh, होती है ठीक है उसमें एक ई e बॉन्ड्स जो है वो ऑनलाइन जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं इस पर एक लॉ लेकर आई थी गवर्नमेंट ठीक है कि आप जो है वो जितना चाहे आप जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप फंड दे सकते हैं ठीक है आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि हाँ जी आप ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं किस तरीके से ला रहे हैं उसका नाम जो है वो कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यू नो गवर्नमेंट जो है वो लॉ लेकर आई थी ठीक है अच्छा चलो आगे जो है वो प्रॉबलिटी इन पब्लिक लाइफ ठीक है इज इंटरनली इंड्यूस्ड बिहेवियर ये हमारा गवर्नेंस पे क्वेश्चन है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ई e गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है ई गवर्नेंस मतलब कि ऑनलाइन है ना आप देखो पहले पी डी एस सिस्टम होता था ठीक है हर चीज जो है वो बही खातों में नोट की जाती थी हर जगह पे फिर उस कॉपी में से कोई भी बंदा जो है उस डेटा को रेस करके कुछ कुछ भी लिख देता था ठीक है तो इस तरीके से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी ठीक है उसको लेकर भी गवर्नमेंट जो है वो ई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आई कि आप कोई भी डेटा जो है गवर्नमेंट का उसको आप एक वेबसाइट के ऊपर यू नो एक पोर्टल के ऊपर आप शो कीजिए ठीक है उसके ऊपर रहिए क्योंकि ऑनलाइन डेटा जो होता है स्टूडेंट उसको चेंज करना ठीक है उसके अंदर नंबरिंग में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ठीक है जब एक बार आप उसको सेव कर देते हो जब एक बार वो ऑथोराइज हो जाता है ठीक है ओके नेक्स्ट फिर मेजर इशूज़ के बारे में यहाँ पर बात कर करें टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट पता ही है कंट्रोवर्सी दिल्ली और सेंटर uh, गवर्नमेंट uh, की तो आप आए दिन सुनते रहते हो वहाँ की कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर की बात हो रही है अभी हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी है सेंटर में बीजेपी की है तो थोड़ा बहुत टसल चलता ही रहता है ठीक है बिकॉज अपोजिट पार्टीज़ हैं अलग अलग पार्टीज़ हैं ठीक है थीके? तो इस पर यहाँ पर ये क्वेश्चन पुट करता है अच्छा फिर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में बात करते हैं, ठीक है थीके? फिर स्ट्रेंथन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में कहता है डेलीब्रेटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट हाउ कैन यू एवेल्यूएट द रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एज ए डेलिब्रेटिव बॉडी इन द लाइट्स ऑफ इस वर्किंग इन रिसेंट ईयर ठीक है यहाँ पे ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात वो करता है ठीक है फिर नेक्स्ट देखिए कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो इस टाइम पे न्यूज में है स्टूडेंट क्योंकि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट बिल भी पास किया है सो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन के ऊपर सेकेंड टाइम आपसे फिर से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है प्लीज नोट डाउन कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर वापस से क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो क्रिटिकली एनालाइज करना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट गार्ड्स को ठीक है और जो आपके अब वाले लॉ हैं उसको तो आप अच्छे से पढ़ लेना कि गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स उसमें बनाए हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर ठीक है ओके द कंपनीज एक्ट आपको पता है 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उस पर क्वेश्चन है फिर हमारी इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कॉन्फ्रेंट की बात करता है मैन्यूपलेसन बाई प्राइवेट इंटरेस्ट आपको भी पता है गवर्नमेंट किस तरीके से डिसइनवेस्टमेंट कर रही है ठीक है आप देखिए अभी अभी पीछे से ये वो भी आई थी कि अडानी ग्रुप को कितने सारे गवर्नमेंट ने पोर्ट्स और यू you नो know, एयरपोर्ट्स लीज पे दे दिए ठीक है इस तरीके से है ये फिर बात करता है वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का यू you नो know, एक आर के अंडर उसको लेके आने का जो वर्डिक्ट था उसको किस तरीके से उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस पर क्वेश्चन आया हुआ है आर देखो हमने अभी पढ़ा मैं भी पढ़ा ना हमने सिलेबस में तो इसलिए मैं कहती हूँ बच्चे मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइंड है पी के अंदर इट्स रियली अप्रिशिएटिंग कि पीसीएस ने अपना मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से लेबोरेट किया हुआ है तो आप टॉपिक वाइज भी अगर मेंस का सिलेबस कवर करते हो ना स्टूडेंट आपको कोई ज़रूरत नहीं है गाइडेंस की मतलब आप टॉपिक वाइज भी अगर प्रिपरेशन करना शुरू करो ठीक है तो आप बिना इवन मतलब बिना किसी से पूछे भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़े बहुत तो हर्डल आएंगे नो डाउट अबाउट दैट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स कहाँ से पढ़नी है बाकी चीज़ें कहाँ से करनी है ठीक है बहुत सारी कमेटीज़ की रिपोर्ट आती हैं तो वहाँ तो थोड़ा आपको पता होना ही चाहिए कि हाँ जी कौन कौन सी या कौन कौन सी रिपोर्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके अच्छा फिर ये यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन का हमारा पार्ट शुरू हो जाता है इलेवन से कहता था क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग में नॉट बी रिलायबल लॉन्ग टर्म काउंटर टू चाइना क्वाड्रिलेटर में कितने मेंबर हैं हमारे क्वाड के मेंबर्स पता है ना आपको कौन कौन से हैं यूएसए इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया है USA, India, Japan, ना चार उसके मेंबर हैं ठीक है पैसिफिक ओशियन के अंदर ठीक है टू काउंटर द चाइना ठीक है क्योंकि चाइना में पैसिफिक ओश चाइना की जो पैसिफिक ओशियन के अंदर डोमिनसी है वो बढ़ती जा रही है सो so, काउंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट तो इसके लिए क्वाडिलेटर क्वाड जो हमारा मेंबर है जिसमें हमारे चार मेंबर हैं ठीक है पहला हमारा यूएसए दूसरा इंडिया तीसरा ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ वन इज अवर जापान तो चारों ने मिलकर इस तरीके से एक सिक्योरिटी हमारा एक यू नो एक आ, वो बनाया है ठीक है यहाँ पे मेंबर वो बनाया है सिक्योरिटी डायलॉग है एक तरीके का ठीक है बट ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो पॉलिसी की प्रेफरेंस होंगी वो यूएसए प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा उसके ऊपर ज्यादातर डिपेंड करेंगी ठीक है तो रिलायबल नहीं है लॉन्ग टर्म इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है ठीक है तो कैसे करोगे बच्चे ऑब्वियसली ये बता के कि किस तरीके से यू you नो know, चाइना की डोमिनसी बढ़ रही है अकेला इंडिया उसको काउंटर नहीं कर सकता उसको पार्टनर्स की नीड है ठीक है जो उसको काउंटर कर सके राइट क्योंकि इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट और वो तभी इंश्योर हो सकती है जब एक तरफ हम पैसिफिक ओशियन को क्या करेंगे उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे और उसके अंदर जो डोमिनेंट वहाँ पे प्लेयर है वो हमारे जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है उन तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू सिक्योर अवर इंडियन ओशियन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी ये सुर नो तो ये भी चीज़ है सेकंड चीज़ स्टूडेंट ये भी समझने वाली बात है कि इंडिया जो है वो अब वो नहीं रहा है पहले वाली सिचुएशंस नहीं रही हैं अब इंडिया भी एक ग्लोबल लीडर बन चुका है ठीक है सो दैट्स वाई यहाँ पे हम टर्म्स को नेगोशिएट कर सकते हैं ठीक है नो no डाउट हाँ यूएसए की थोड़ी डोमिनेंस ही यहाँ पे रहेगी बट वी कैन बैलेंस बैलेंस आउट इट ठीक है थ्रू नेगोशियेशंस एंड अदर फैक्टर्स भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं ठीक है ओके ओके स्टूडेंट सो लेट्स मूव फर्दर हाँ जी अजहरबाइजन और अर्मेनिया में वो उस टाइम पे वॉर हुई थी तो उसका तो है ही द चेंजिंग जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन पाकिस्तान पाकिस्तान तो बिकने पर आया हुआ है ना तो इस पर तो आप यू you नो know, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं ठीक है साउथ एशियन रीजन क्रिटिकली एनालाइज करना है ठीक है अच्छा एक बात बताओ पाकिस्तान इतना ज़्यादा डी हो रहा है इसके मुझे कमेंट बॉक्स में आप चार चीज़ें बताओ चार पॉइंट बताओ पहले दो डिसएडवांटेज बताओ इंडिया के लिए अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक किस तरीके इकोनॉमी इस तरीके से डिस्टेबलाइज होती जाएगी दो डिसएडवांटेज बताओ कि दो क्या हार्म हो सकते हैं इंडिया के लिए डिसएडवांटेज क्या हो सकता है अच्छा दो आपको बतानी है एडवांटेज एडवांटेज तो मुझे पता है आप ऐसे छठ से लिखोगे उसके अंदर ठीक है बस मेरे को डिसएडवांटेज भी बता दो आप क्या होगी अगर पाकिस्तान इस तरीके से जियो इकोनॉमिकली वो वीक होते नेक्स्ट डिस्पाइट द एम ऑफ आत्मनिर्भर शैल बी डिफिकल्ट टू डिटैच फ्रॉम चाइना सप्लाई चेन एटलीस्ट द शॉर्ट रन कमेंट ठीक है आपको भी पता है आत्मनिर्भर भारत कैसे किया था हमने इसका मेन पर्पज था कि इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना मतलब कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और जो हमारी सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करना ठीक है क्योंकि चाइना की जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही जबरदस्त वाली तो कहता है वट इज द मैंडेट ऑफ डब्ल्यू एच ओ हाउ इट्स बाइंडिंग डिसीजन एग्जाम इन द रोल ऑफ प्ले बाई डब्ल्यू एच इन कॉन्टेक्सट ऑफ कोविड नाइनटीन पेंडेमिक ठीक है तो उस टाइम का क्वेश्चन है कोविड नाइनटीन को पेंडेमिक को यू you नो know, किस तरीके से उसको टैकल करने में यहाँ पे डब्ल्यू एच ओ ने क्या रोल प्ले किया इस पर वो क्वेश्चन पुट करता है ठीक है जी तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन ठीक है आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं यस और तो स्टूडेंट एक चीज़ तो कंफर्म है कि सबसे पहले चीज पहला करंट की जो न्यूज़ है ना करंट अफेयर्स हैं उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस तो करंट अफेयर कैसे कवर करने हैं ये मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है तो बार बार मैं नहीं बताऊंगी है ना कहोगे बोर ही कर दिया मैडम आपने तो ठीक है करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंस है वो कंटिन्यू बनी रहती है ठीक है प्रीलियम्स में भी एज वेल एज योर मेन्स में भी प्लस आपका स्टैटिक जो है उसमें आपकी मेन जो रोल प्ले करती practice. Practice है दैट इज अवर प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है स्टूडेंट है मेन्स के क्वेश्चन जब तक लिखना नहीं सीखोगे एक्सप्रेस कैसे करोगे चाहे आपको कितना भी आता है बच्चे मैं आपसे पूछ लूँ कैनेडा के हो सकता है आप मेरे से बेटर बता दो मेरे से बेटर बता दो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स में बट डजेंट मैटर स्टूडेंट जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कॉपी के ऊपर आप लिख नहीं सकते अपनी बात ठीक है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट और उसको आप कंटिन्यू कीजिए ठीक है जैसे मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ साथ साथ में स्टूडेंट क्वेश्चन को लीजिए थोड़ा हेल्प लीजिए नेट की उसको पढ़िए अपनी बुक्स को रिवाइज कीजिए एंड देन उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए क्वेश्चन को लिखने की जैसे अभी अभी मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस टाइम पे भी न्यूज़ में है गवर्नमेंट बिल लेकर आई तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक आप एक क्वेश्चन लिखिए ठीक है इवन आप फिफ्टी वर्ड के अंदर स्टूडेंट फिफ्टी वर्ड तो टाइप करने बहुत मुश्किल नहीं होते आजकल सारा दिन रील्स पे उंगलियाँ घुमाते हो तुम लोग ठीक है तो फिफ्टी वर्ड्स में आप जो है इलेक्शन कमीशन की थोड़ी थोड़ी जो उसकी पावर है अपॉइंटमेंट है किस तरीके से हम उसकी इम्पीचमेंट कर सकते हैं ठीक है कौन कौन उसको अपॉइंट करता है क्या पावर्स हैं उसके पास ये सब चीज़ों की इवन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो सो दैट मैं चेक करके आपको बता सकूं कि हाँ जी आपने किस तरीके से लिखा है ठीक है अच्छा लिखा है बुरा लिखा है अगली वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं ठीक है और थोड़ा कंटेंट भी मिल जाएगा डिस्कस करने के लिए आपसे ठीक है ओके okay, स्टूडेंट so, ठीक है जी. तो ठीक है स्टूडेंट मैं ये सेशन यहीं पे ओवर करती हूँ राइट ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में थैंक यू थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे